बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ फरख जमील एंड आई एम वर्किंग एज अ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन मैथमेटिक्स एट डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड इंटर कॉलेज साहिवाल। मैं DPS की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप सबको वेलकम कहता हूँ। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इन आवर टुडेज़ लेक्चर वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 2 ऑफ सेकंड ईयर। Chapter number 2 is basically about the differentiation, and it is the 20th lecture of this series. In our today's lecture, we will differentiate between the implicit function and the explicit function, and on the base of this differentiation, we will solve question number 2 of exercise number 2.4. So now let's start our today's topic. First of all, we will discuss the definition of the explicit function. That what is meant by the explicit function? The function in which y is easily expressed in terms of the independent variable x, then y is called an explicit function. मैं repeat करता हूँ इसे। The function in which y normally हम लोग क्या लेते हैं, y को as a dependent variable लेते हैं, is easily expressed in the terms of the independent variable x, then y is called the explicit function. In simple words we can say that एक ऐसा function जिसको जिसके अंदर आप y को easily independent function की form में लिख सके, that will be known as a explicit function. For example, हमारे पास यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट एग्जांपल के अंदर वी हैव y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x. y इज टोटली डिपेंडिंग ऑन x. आपने y को सिंपली एक फंक्शन की फॉर्म में, एक आपने एक ऐसे फंक्शन की फॉर्म में लिख लिया है जहां पे आपके पास आप इसको क्या कह सकते हैं, y इज डिपेंडिंग टोटली ऑन द x. आपने इसको एक सेपरेट फंक्शन की फॉर्म में लिखा है, यानी कि इसके अंदर आपके पास इस एग्जांपल के अंदर x और y मिक्स नहीं है। दूसरी एग्जांपल देखिएगा, इसका दूसरी एग्जांपल के अंदर y is equal to square root of x minus 1, again we write y as a function of x. मैं इसको डेफिनेशन को रिपीट करता हूँ, एग्जांपल्स के बाद इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना ज्यादा इजी हो जाएगा। Normally we consider x as independent function and y as a dependent function. इसको ध्यान में रखिएगा, the function in which y is easily expressed in terms of independent variable, then y is called the explicit function. Or we can say that the function in which dependent variable can easily expressed in terms of the independent variable, then it will be known as a explicit function. देखिएगा बेटे, यहाँ पे आपने डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में आपने इसको लिख लिया, सो दैट्स व्हाई दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द एक्सप्लिसिट फंक्शन। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द इंप्लिसिट फंक्शन। इन इंप्लिसिट फंक्शन, इफ एक्स एंड वाई आर सो मिक्स्ड अप दैट वाई कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, देन वाई इज कॉल्ड एन इंप्लिसिट फंक्शन। देखिएगा, मैं रिपीट करता हूँ इसको, इफ एक्स एंड वाई आर सो मिक्स्ड अप दैट वाई कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, देन वाई इज कॉल्ड द इंप्लिसिट फंक्शन। मीन आपके पास जो फंक्शन है उसके अंदर एक्स और वाई इस कदर मिक्सअप है कि उसमें से वाई को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, तो आप उसको क्या लिखेंगे, दैट इट विल बी कंसिडर्ड एज अ इंप्लिसिट फंक्शन आपके पास कहलाएगा। एक एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से क्लियर होगा। वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये आपके पास आ गया। अच्छा, आप खुद से इसको ट्राई करके देखिएगा, किसी भी तरह आप इसमें से आप इसको जैसे लास्ट एक्सप्लिसिट फंक्शन के अंदर हम लोगों ने लिखा था वाई इज इक्वल टू की फॉर्म में लिखना चाहें, आप इसको नहीं लिख सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लास्ट वाले दोनों आपके पास जो टर्म्स है इनमें से वाई कॉमन लेता हूँ, अंदर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस y फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब है y can not be written in the form of the separate, so we can say that it is the example of the implicit function. Exercise number 2.4,
क्वेश्चन नंबर टू, मैं इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर, इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो बहुत इजी है, वो आप लोगों के लिए एज असाइनमेंट हम लोगों ने छोड़ी है। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ आपके पास एक फंक्शन है जी, फंक्शन आपके पास क्या है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू। अच्छा, अब आपने इसको गौर करना है कि ये आपके पास क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है या आपके पास जो है ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने इसको चेक नहीं करना है, यहाँ पे हम लोगों ने जस्ट इसका डी वाई बाई डी एक्स हम लोगों ने फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर सॉल्यूशन। वी कंसीडर द फंक्शन एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू। अब आपने क्या करना है, आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप दोनों साइड के दोनों साइड में इसके ऊपर अप्लाई कर दें डी बाई डी एक्स। लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपने अप्लाई कर दिया डी बाई डी एक्स और राइट हैंड साइड पे भी आपने अप्लाई कर दिया है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपने दोनों साइड पे इसको अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास दो टर्म है, एक टर्म है आपके पास एक्स वाई और दूसरी टर्म आपके पास क्या है वाई स्क्वायर। मैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं दोनों के ऊपर अलग से इसकी डिफरेंशियल अप्लाई कर देता हूँ। मैंने इनको सेपरेट कर दिया, मैंने एक्स वाई के ऊपर अलग से डिफरेंशियल अप्लाई कर दिया और वाई स्क्वायर के ऊपर अलग से डिफरेंशियल अप्लाई कर दिया। अब गौर कीजिएगा, फर्स्ट टर्म के अंदर आपके पास यहाँ पे दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, आपके पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, और दूसरी टर्म के अंदर आपके पास एक सिंगल आपके पास टर्म है वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है इसके अंदर हम लोग इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। अगर आपको याद हो एक्सरसाइज नंबर 2.2 और 3 के अंदर हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल को डिस्कस किया था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों ने कर दी है। बेसिकली प्रोडक्ट रूल क्या था, अगर ये आपके पास दो फंक्शन है, मैं x को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लूँ और y को सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लूँ, तो आपके पास क्या होगा, पहले आप x को एज इट इज छोड़ देंगे और डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे y के ऊपर। फिर आप क्या करेंगे, आप y को एज इट इज छोड़ देंगे और डेरिवेटिव किसका लेंगे, x का। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई करना है जी। देखिएगा प्रोडक्ट रूल अप्लाई की है, x एज इट इज आ गया, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। फिर आपने जिसका डेरिवेटिव लिया था, y का डेरिवेटिव लिया था, उसको एज इट इज रहने दे, और आपने डेरिवेटिव लिया किसका, x का विद रिस्पेक्ट टू x आपके पास आ गया। और y स्क्वायर का देखिएगा, यहां पे गौर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कौन सा रूल आपके पास लग गया इसके ऊपर, वाई स्क्वायर के ऊपर। बेसिकली इसकी पावर है, तो हम लोगों ने पावर इसके ऊपर अप्लाई किया। पावर रूल आपके पास क्या था, पावर नीचे, पावर में से एक कम, जब आप पावर नीचे लेके आएंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, टू नीचे आ जाएगा। वाई की पावर में से जब आप टू माइनस वन करेंगे तो वो वन आ जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा, बेस, इसका जो बेस था वो आपके पास वाई थी, आपने सिंपली अप्लाई कर दिया डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आ गया इज इक्वल टू जीरो। जी जरा बताइएगा राइट हैंड साइड के अंदर आपने कौन सा रूल अप्लाई किया। हमारे पास एक रूल था डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू जीरो, तो वो कांस्टेंट चाहे आपके पास वन हो या वो आपके पास मिलियंस के अंदर हो, उसका डेरिवेटिव हमेशा आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। सो राइट साइड आपके पास क्या हो गई है, जीरो आपके पास आ जाएगी। एक स्टेप और इसको देखिएगा जरा, मैंने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में जरा लिख दिया, यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये आपके पास डी एक्स है, आपके पास डी एक्स क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, यहाँ आपके पास ये सारा क्या बन जाएगा, वन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दो टर्म्स है हमारे पास, एक टर्म आ गई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स और दूसरी टर्म है आपके पास टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इन दोनों में से अगर हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें, ये आपके पास आ जाएगा। आपने डी वाई बाई डी एक्स इन दोनों टर्म्स में से आपने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, और y को एज आपके पास y एज इट इज आ गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है आपने, बेसिकली वी हैव टू फाइंड dy by dx। तो आप क्या करें, y को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं, इसका साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा, और ये जो आपके पास इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर व्हिच इज dy by dx इज इक्वल टू माइनस y ओवर x प्लस 2y। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, मैं इसको थोड़ा मैं इसको रिपीट करता हूँ ताकि इसकी बेस आपके पास स्ट्रॉन्ग हो सके। क्वेश्चन था वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, वेयर जो स्टेटमेंट है वो आपको जो फंक्शन गिवन है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू गिवन है। हमने क्या किया, हमने डिफ्रेंशिएट इसको किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट स्टेप के अंदर हम लोगों ने क्या किया, वी अप्लाई डी बाई डी एक्स ऑन बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। इन नेक्स्ट स्टेप
लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या था, वी हैव टू टर्म्स इन द फॉर्म ऑफ एडिशन, हमने उनको डिफरेंशियल जो है उसके ऊपर सेपरेटली उसको अप्लाई कर दिया जी। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास डी बाई डी एक्स जो है वो दो फंक्शंस की प्रोडक्ट के ऊपर आपके पास अप्लाई हो रहा है, तो आपने इसके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई कर दिया है, आपने इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है। और नेक्स्ट वाले क्या आपके पास जो वाई स्क्वायर था वहाँ पे आपने पावर रूल अप्लाई की है, और राइट साइड के अंदर वी नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ एनी कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू जीरो, तो आपने वो वाली टर्म अप्लाई की है जी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया था, हमने जस्ट इसको उसी लास्ट वाले स्टेप को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा था, इट बिकम्स डी वाई बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स, ये डी एक्स से डी एक्स आपके पास कैंसिल हो गया, आपने फर्स्ट और थर्ड टर्म से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लिए, और ये जो वाई आपके पास बचा था इसको नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप उठा के दूसरी साइड पे ले गए, इसका साइन चेंज हो गया है, और ये जो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन हो रही थी वो यहाँ पे आके क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है। ये इसका फर्स्ट पार्ट था, थोड़ा सेकंड पार्ट था, इसको थोड़ा सा इजी पार्ट था, तो कोशिश कीजिएगा इसको अच्छे तरीके से इसको समझे, ताकि नेक्स्ट वाले पार्ट जो है वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज नंबर 2.4, अगेन वी हैव द सेम क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स विद अ डिफरेंट फंक्शन, फंक्शन आपके पास है 4x² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लus 2fy प्लस c is equal to 0, only x and y are the variables, all other h, b, g and f are the constants। अच्छा अब यहाँ पे देखिएगा, we have to adopt the same strategy which we used in the first part। मैंने जस्ट ऊपर वाली स्टेटमेंट को रीराइट किया, और यहाँ पे को कुछ भी इसके अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं किया, उसी को रीराइट किया। We have to differentiate it with respect to x, so we apply d by dx on both left hand side and right hand sides। ये आपके पास आ गया, आपने simply d by dx दोनों साइड पे लेफ्ट और राइट साइड पे आपके पास अप्लाई कर दिया। अच्छा देखिएगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपके पास एक से ज्यादा फंक्शन की सम हो रहा है, तो आप इसको क्या करें, d by dx हर फंक्शन के ऊपर इंडिपेंडेंटली आप अप्लाई कर दें, सेपरेट इसको कर दें, इसको इनको जो अलग अलग से अप्लाई कर दें। नेक्स्ट स्टेप के अंदर सिर्फ हम लोगों ने ये किया है, वी अप्लाई डी बाई डी एक्स ऑन 4x² देन ऑन 2hxy देन ऑन by² 2gx 2fy और c के ऊपर आप लोगों ने अलग से डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया, जीरो के ऊपर क्योंकि आपके पास कोई इफेक्ट नहीं करना था, उसको हम लोगों ने सिंपली जीरो आपके पास कर दिया। अच्छा अब इसको सिंप्लीफाई करना है, हर एक के ऊपर इसका अपना कोई रूल लगेगा, उसको अप्लाई करते हैं। उससे पहले हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे 4 आपके पास जो कांस्टेंट था, यहाँ पे 2h कांस्टेंट है, यहाँ पे b कांस्टेंट है, यहाँ पे 2g कॉमन है, यहाँ पे 2f कॉमन है, इनको जी इस स्टेप में देखिएगा, हम लोगों ने जो कांस्टेंट थे उनको बाहर निकाल लिए, 4 2h b 2g 2f इनको हम लोगों ने बाहर निकाल लिए। मैं इसी स्टेप को नेक्स्ट वाली स्लाइड के अंदर थोड़ा सा रीराइट करता हूँ, ताकि ये लास्ट स्टेप आपके पास आ गया, उसी को मैंने रिपीट किया है यहाँ पे। अच्छा अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, आपने अलग अलग टर्म्स का इसकी जो है डिफरेंशिएशन करनी है। फर्स्ट टर्म पे देखिएगा, वी हैव इन द फॉर्म ऑफ पावर, इट्स मीन वी विल अप्लाई द पावर रूल, आप अप्लाई करेंगे इसके ऊपर पावर रूल। जब आपके पास लगेगा वो क्या होगा जी, जब आप x² के आप इसके ऊपर डिफरेंशिएशन लेंगे तो पावर नीचे आ जाएगी, मीन्स वी कैन राइट इट एज अ 4 × 2, इसकी पावर एक कम हो जाएगी, एक्स आपके पास आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स। यहाँ पे क्या होगा, एक्स वाई दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, तो आप इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगेन वी विल अप्लाई द पावर रूल, तो यहाँ पे डी एक्स बाई डी एक्स आ जाएगा विच विल बिकम्स 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली इट विल बिकम डी वाई बाई डी एक्स, और कॉन्स्टेंट ऑफ एनी डेरिवेटिव ऑफ एनी कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोगों ने इसके डिफरेंशिएशन की है, उसी तरह जैसे मैंने बताया, यहाँ पे आपने पावर रूल अप्लाई कर दिए 4 × 2x, और ये आपके पास क्या हो गया, डी एक्स बाई डी एक्स, 2h को एज इट इज रहने दिए, एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस वाई एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपके पास आ गया जी। वाई स्क्वायर के ऊपर आपने पावर रूल अप्लाई की है, आपके पास क्या हो गया, पावर नीचे पावर में से एक कम इनटू डेरिवेटिव ऑफ बेस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, 2g एज इट इज आ गया, तो ये आपके पास क्या बन गया, सारा डी एक्स बाई डी
एक्स हो गया, टू एफ एज इट इज आ गया, ये आपके पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ गया, आपके पास जीरो हो गया। मैं इसको टू एच को अंदर अप्लाई करता हूँ, सिंप्लीफाई किया, फोर टू जार एट एक्स हो गया आपके पास, डी एक्स ए डी एक्स कैंसिल कर दिया हम लोगों ने, टू एच को अंदर मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स टू एच एक्स डी वाई बाई डी एक्स एंड टू एच वाई डी एक्स ए डी एक्स आपके पास कट हो गया। नेक्स्ट वी हैव टू बी वाई डी वाई बाई डी एक्स एंड टू जी डी एक्स ए डी एक्स कट हो गया, टू एफ इंटू डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आ गया। अच्छा देखिएगा, वी हैव थ्री टर्म्स इन विच डी वाई बाई डी एक्स इज इन्वॉल्व, आप इनको क्या करें, पहले जो सिंपल टर्म्स हैं उनको उठा के राइट हैंड साइड पे ले जाए। हमारे पास जो सिंपल टर्म्स हैं वो कौन सी है, एट एक्स टू एच वाई एंड टू जी, इसको हम लोग उठा के दूसरी साइड पे ले गए और मैंने इन सब के अंदर से क्या कर दिया है, माइनस टू। देखिएगा यहाँ पे एट एक्स था, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस एट एक्स हो जाएगा। यहाँ पे टू एच वाई था, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस टू एच वाई। यहाँ पे टू जी है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस टू जी हो जाएगा। मैंने इसको सिंपलिसिटी के लिए पूरे में से मैंने माइनस टू को कॉमन निकाल दिया, बाकी जो ये डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी टू है, यहाँ पे भी टू है और यहाँ पे भी टू है। मैंने तीनों टर्म्स में से टू और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लिया, टू से टू कट हो जाएगा और ये जो टर्म है आपके पास इधर मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड को जाके क्या हो जाएगी, ये डिवाइड हो जाएगी। सो वी हैव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटू फोर एक्स प्लस एच वाई प्लस जी ओवर एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ। तो ये आपके पास इसका डेरिवेटिव आ गया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से इसको कीजिएगा, इसकी बेस के ऊपर एक दो क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको असाइनमेंट में भी दी है जी। नाउ मूव टुवर्ड इट्स नेक्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज नंबर 2.4, क्वेश्चन नंबर 2, इट इज द सिक्स्थ पार्ट। वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ द फंक्शन इज, फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, y into x square minus 1 is equal to x into square root of x square plus 4। ये आपके पास आ गया। मेथड हम लोगों ने वही अप्लाई करना है जो हम लोगों ने फर्स्ट वाले टू पार्ट्स के अंदर अप्लाई किया है। मैं इसको रीराइट किया, जस्ट क्वेश्चन को रीराइट किया, अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी विल अप्लाई dy/dx ऑन बोथ साइड्स। ये आपके पास आ गया, आपने जस्ट dy/dx को दोनों साइड पे अप्लाई कर दिया। अच्छा लेफ्ट साइड पे भी देखिएगा, वी हैव द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस y into x square minus 1, y एक फंक्शन है और x square minus 1 आपके पास अलग से फंक्शन है। और राइट हैंड साइड में भी देखिएगा, आपके पास दो फंक्शंस है, एक x आ गया और दूसरा फंक्शन आपके पास उसके जो प्रोडक्ट उसकी हो रही है वो x square plus y का x square plus 4 का स्क्वायर रूट, या वी कैन राइट इट एज x square plus 4 होल की पावर 1/2 आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया है, y as it is आ गया, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन x square minus 1, अब जिसका डेरिवेटिव ले लिया था उसको as it is लिख दे और डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, y का dy by dx आ जाएगा। राइट हैंड साइड को फिलहाल मैंने टच नहीं किया है जी, y as it is आ गया। अब यहाँ पे भी दो फंक्शंस के उनकी सब्ट्रैक्शन हो रही थी x square minus 1 की, मैंने क्या किया है dy/dx x square के ऊपर अलग से अप्लाई कर दिए और कॉन्स्टेंट के ऊपर अलग से अप्लाई कर दिए, और यहाँ पे तो कोई सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं थी, मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको क्या किया है, मैंने इसको जो स्केयर रूट था उसकी जगह पे इसको पावर लिख दिया 1/2 जी। मैं इसी स्टेप को रीराइट करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, ये आपके पास आ गया। अच्छा जी नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपने किसका डेरिवेटिव लेना है, एक्स स्क्वायर का। सो वी विल अप्लाई द क्या आ जाएगा जी, आपके पास यहाँ पे पावर रूल आप अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो आपके पास डेरिवेटिव आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, टू एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स आ जाएगा। और वन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जी, कॉन्स्टेंट है तो इसका ऑब्वियसली डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा, जीरो होगा। लेफ्ट साइड का हो गया, अब राइट साइड पे हमारे पास दो फंक्शंस की प्रोडक्ट थी, पहले हम लोगों ने एक्स को एज इट इज छोड़ दिया और डेरिवेटिव अप्लाई किया है आपने स्केयर रूट वाले फंक्शन के ऊपर, फिर स्केयर रूट वाले फंक्शन को एज इट इज छोड़ दिया और डेरिवेटिव आपने लिया है किसका, एक्स का, विच विल बिकम्स डी एक्स बाय डी एक्स। अच्छा अब ये जो डी एक्स बाय डी एक्स वाली दो टर्म्स है हमारे पास, एक ये है डी एक्स बाय डी एक्स और दूसरी ये डी एक्स बाय डी एक्स, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आपके पास इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी, वी गेट टू बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा ये एक्स एज इट इज आ गया, इसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया है, वी अप्लाइड द पावर रूल। पावर रूल क्या था, पावर नीचे
वन बाई टू आ गए, पावर में से वन सब्ट्रैक्ट कर दिया इनटू डेरिवेटिव ऑफ द बेस, बेस का डेरिवेटिव आपके पास क्या है, ये जो 2x है ये कैसे आ गया। जब आप डेरिवेटिव ऑफ बेस करेंगे, जब आप x स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव लेंगे तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और यहाँ पे x का जो डेरिवेटिव था वो फिनिश हो गया आपके पास। थोड़ी सी को देखिए, कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रही है, 2 से आपके पास 2 कट हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग इसको काट देंगे और ये x से ये x मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। 1 बाई 2 माइनस 1 आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाई 2 आ जाएगा। ये हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया है, 2 से 2 कट गया है, x से x मल्टीप्लाई होकर आपके पास x स्क्वायर आ गया आपके पास। अब ये जो माइनस 1 बाई 2 है, मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ ताकि ये 1 बाई 2 हो जाए, थोड़ा सा स्क्वायर रूट की फॉर्म में आपके पास आ जाएंगे। वी राइट इट एज x स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4, देन ये आपके पास आ गया। ये जो 2xy इधर ऐड हो रहा था, ये इधर आके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आपके पास। ये आ गया, आप इसका एलसीएम ले लिया लेफ्ट साइड पे, उसी टर्म को मैंने यहाँ पे रीराइट किया है, आपने लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड पे आपने इसका क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये आपके पास एलसीएम आ गया, x स्क्वायर प्लस 4, x स्क्वायर एज इट इज, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर प्लस 4 के साथ x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होगा, और माइनस 2xy के साथ भी x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होगा। ये देखिएगा, जब ये दोनों स्क्वायर रूट आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो इट विल बिकम्स x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, और स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट हो जाएंगे, वी गेट x स्क्वायर प्लस 4 इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कट हो गया, माइनस 2xy स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4, ये टर्म आपके पास आ जाएगी। आप इसको सिंपलीफाई करें, x स्क्वायर प्लस 4 ये आपके पास, और मैंने ये जो टर्म इधर मल्टीप्लाई हो रही थी इधर आके इसको डिवाइड कर दिए, x स्क्वायर से x स्क्वायर ऐड होकर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये 4 एज इट इज आ गया, आप नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसको सिंपलीफाई कीजिएगा, सो दैट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। वी गेट dy/dx इज इक्वल टू 2x square plus 4 minus 2xy into square root of x square plus 4, और नीचे आपके पास क्या आ गया, x square minus 1 into x square root of x square plus 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये जो मैंने आपको करवाए हैं, इसके बाकी जो 3 पार्ट हैं उनको आप लोगों ने एज असाइनमेंट हम लोगों ने छोड़े हैं। आप इन ये जो हम लोगों ने आज क्वेश्चन किए हैं इनको एक दो दफ़ा आप लोग खुद से ट्राई करके देखेंगे तो आपको जो बाकी क्वेश्चन हैं वो आपके लिए बहुत ईजी साबित होंगे। So now move towards the today's assignment. Assignment का जो first of all जो main आपके पास है, you have to differentiate what is the difference between explicit and the implicit function. आपने कोशिश करनी है इसके साथ कम से कम खुद से कोई एक एक दो दो examples आपने इसके खुद से generate करनी है, और next आपने solve करने हैं इसी question के first, third और fifth part आपने solve करने हैं। मैंने इसके टफ वाले पार्ट आपको करवा दिए हैं, बाकी जो ये फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ पार्ट है दे आर वेरी इजी। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।